आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साई न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। मौसम का पूर्वानुमान आने वाले दो दिन अर्थात मंगलवार 6 अगस्त और बुधवार 7 अगस्त को किस तरह का रह सकता है, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में महेश रावलानी की रिपोर्ट। मौसम विभाग के सूत्रों के हवाले से उनके द्वारा जो भी मौसम का पूर्वानुमान संकलित किया गया है वो आपके साथ साझा किया जा रहा है। रात 12 बजे का नज़ारा, 5 और 6 अगस्त की दरमियानी रात 12 बजे का नज़ारा, बारिश लगभग थमी हुई नज़र आ रही है। रात में भी बारिश लगभग थमी ही नज़र आ सकती है जैसा सूत्रों ने बताया। 11-12 बजे तक घनसौर के आसपास हल्की फुल्की बूंदाबांदी के साथ ही दोपहर 2 बजे के लगभग जिले भर में कुछ स्थानों पर कहीं कहीं बूंदाबांदी हो सकती है। 3 बजे के बाद पूरे जिले में एक बार फिर बारिश होने की संभावना। 5 और 8 बजे तक, 2 बजे के बाद 8 बजे के बीच बीच में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। 11 बजे रात को बारिश लगभग थमी हुई नजर आ सकती है। बुधवार 7 तारीख को भी रात भर बारिश थमी नजर आ सकती है। दिन में 11 बजे के बाद जिले भर में एक बार फिर बारिश हल्की फुल्की नजर आ सकती है। 2 बजे के लगभग कहानी घनसौर केवलारी से अगर मंडला की तरफ जाएंगे तो वहाँ बारिश का वेग थोड़ा तेज हो सकता है। शेष जगहों पर बारिश लगभग थमी रह सकती है। शाम 4 बजे के लगभग छपारा और सिवनी से अगर पश्चिम की ओर छिंदवाड़ा की ओर जाया जाएगा तो वहाँ पर बारिश का वेग थोड़ा सा ज़्यादा रहने की उम्मीद मौसम विभाग के सूत्रों के द्वारा बताया गया। 7 बजे शाम को बुधवार को 7 बजे शाम को सिवनी छपारा इसके आसपास बारिश थोड़ा सा तेज हो सकती है। 10 बजे रात में लखनऊ दोनों छपारा के बीच में बारिश हो सकती है। रात 12 बजे के लगभग 7 और 8 अगस्त की दरमियानी रात 12 बजे के लगभग केवलारी कहानी छपारा इन क्षेत्रों में अर्थात भीमगढ़ के आसपास बारिश थोड़ी तेज हो सकती है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए महेश रावलानी की रिपोर्ट। मौसम विभाग के सूत्रों के हवाले से उनके द्वारा जो भी मौसम का पूर्वानुमान संकलित किया गया वो आपके साथ साझा किया जा रहा है। अब हम आपको बिजली की कड़कन धड़कन के बारे में इसके उपरांत बताते हैं। 5 और 6 अगस्त की दरमियानी रात बिजली की कड़कन तड़कन लगभग शांत ही दिखेगी जैसा मौसम विभाग के सूत्रों के द्वारा बताया गया है। 6 तारीख को भी दिन में 2 बजे के लगभग कहीं कहीं हल्की फुल्की बिजली चमकने की संभावनाएं। 5 बजे के बाद जिले भर में हल्की फुल्की कहीं कहीं बिजली की चमक थोड़ी देर के लिए दिखाई दे सकती है। गर्जना बहुत ज़्यादा नहीं सुनाई देगी जिस तरीके की बात समाचार एजेंसी मीडिया सूत्रों के द्वारा बताई गई। इसके बाद 7 तारीख को 11 बजे के लगभग हल्की फुल्की गर्जना और हल्की फुल्की चमक थोड़ी देर के लिए सिवनी जिले के आकाश में आपको दिखाई दे सकती है। कुल मिला के 6 और 7 तारीख को बिजली की कड़कन तड़कन बहुत ज़्यादा नहीं रहने की उम्मीद है। इसके उपरांत अब हम आपको तापमान के बारे में बताते हैं। 5 और 6 अगस्त की दरमियानी रात 12 बजे के लगभग 24 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान रहने की उम्मीद मौसम विभाग के सूत्रों के द्वारा बताया गया है। 5 बजे सुबह मंगलवार को 5 बजे सुबह 23 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान रहने की उम्मीद। 9 बजे के लगभग 26 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान रह सकता है। दोपहर में 1 बजे तापमान में थोड़ी सी बढ़ोतरी 29 से 30 डिग्री सेल्सियस तक पहुँचने की उम्मीद। 5 बजे शाम को तापमान फिर 25 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। रात 10 बजे मंगलवार को रात 10 बजे 24 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान रहने की उम्मीद। रात 12 बजे के लगभग 6 और 7 अगस्त की दरमियानी रात 12 बजे के लगभग 24 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान रहने की उम्मीद। सुबह 5 बजे बुधवार 7 अगस्त को सुबह 5 बजे 23 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान रहने की उम्मीद। सुबह दोपहर के लगभग 12 बजे 25 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान रह सकता है। 4 बजे शाम को, ये हम आपको बुधवार का बता रहे हैं, 25 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान रहने की उम्मीद। 7 बजे शाम को 24 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान रह सकता है। और बुधवार और बृहस्पतिवार की दरमियानी रात 12 बजे 7 और 8 अगस्त की दरमियानी रात 12 बजे 23 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान रहने की उम्मीद। अब हम आपको बादल किस तरह के रह सकते हैं इसके बारे में बता। 5 और 6 अगस्त की दरमियानी रात
12 बजे के लगभग लगभग आसमान साफ ही, बहुत ज़्यादा बादल की गुंजाइश नहीं रहेगी, बादलों से ढका तो रहेगा पर बहुत ज़्यादा क्लाउड्स की उम्मीद नहीं बताई गई है। वैसे बादल आते जाते बने रहेंगे। शाम 5 बजे के लगभग थोड़ा सा बादल सिवनी के आसपास दिखाई दे सकते हैं, जैसा मौसम विभाग के सूत्रों के द्वारा बताया गया है। 7 तारीख को भी लगभग इसी तरह की स्थिति रह सकती है, बादल लगातार बने रह सकते हैं। और 7 तारीख को 5 बजे के लगभग थोड़ा सा घने बादल ऊपर छा सकते हैं, जो 8-9 बजे तक बादल बहुत घने रह सकते हैं, 12 बजे रात तक यही स्थिति रह सकती है। अब हम आपको हवाओं की दिशा और गति के बारे में बताते हैं। रात 12 बजे 5 और 6 अगस्त की दरमियानी रात 12 बजे के लगभग हवाओं की दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व और बहुत तेज हवाएं चलने की उम्मीद नहीं रहा। सुबह 8 बजे के लगभग आप दरख्तों के पत्ते और ध्वजाएं, जो धर्म ध्वजाएं फहराते हैं या कुछ कपड़े आपको लहराते हुए दिख सकते हैं, हवा हल्की फुल्की तेज रह सकती है, बहुत ज़्यादा तेज नहीं। 2 बजे दिन तक हवाएं चलती रहेंगी, 2 बजे के बाद हवाएं थमने की उम्मीद। 7 तारीख को भी रात में हवाएं लगभग थमी मानी जा सकती हैं। सुबह 8 बजे जैसा 7 तारीख का नज़ारा था, वैसा ही लगभग 8 तारीख का नज़ारा भी रहने की उम्मीद। दोपहर में 2 बजे के बाद फिर हवाएं लगभग थमी सी महसूस हो सकती हैं। रात 12 बजे के लगभग भी उसके बाद हल्की फुल्की हवाएं चल सकती हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के लिए महेश रावनानी की रिपोर्ट। मौसम विभाग के सूत्रों के हवाले से उनके द्वारा जो भी मौसम का पूर्वानुमान संकलित किया गया है वो आपके साथ साझा किया जा रहा है। हम आपको बता दें कि महेश रावलानी लगभग 1.5-2 दशकों से मौसम का पूर्वानुमान मौसम विभाग के सूत्रों के हवाले से दे रहे हैं और 95% से 99% तक अभी मौसम का पूर्वानुमान सही साबित होता आया है। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ में खबरें पसंद आ रही हैं तो आप इन्हें लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि आपको ये खबरें कैसी लग रही हैं। फिलहाल आपसे इजाज़त लेना चाहेंगे, 2 दिनों का मौसम का पूर्वानुमान लेकर फिर हाजिर होंगे। जय हिंद।